ओ गाइस यार मजा आ गया टाइगर थ्री का यार। डे थ्री की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा निकल चुकी है। अब मैं देखो अगर 10:30 बजे तक का आपको अभी तक का डेढ़ घंटा अभी भी बचा है, बट मेरे पास 10:30 बजे का डेटा आ चुका है। पहले मैं ऑक्यूपेंसी पे आपको फटाक से बता देता हूँ बिना टाइम आपका खराब किए। देखो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी लगी थी 17% की, जो मुझे थोड़ा लो लग रही थी। उसके बाद आफ्टरनून में आके 34% गई और इवनिंग के शोज आके 41% पे हुई। तो ओवरऑल अगर हम इसकी ऑक्यूपेंसी निकालें तो 30 या 31% के आसपास बैठी है। अभी नाइट शोज मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो इवनिंग है उससे थोड़ी ज्यादा या थोड़ी सी कम अगर निकली तो चलो 40-40 मोटा उठा लो, तो जबरदस्त ऑक्यूपेंसी है। और डे थ्री का जो टाइगर थ्री का कलेक्शन आ रहा है इट्स ह्यूज, इट्स मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। और बहुत बढ़िया तरीके से करके ये करेगी 42.5 करोड़ इसने अभी तक कर लिया है और ये मोटा मोटा 45 करोड़ पे आज करेगी। तो आई थिंक इसका एक तो टेस्ट जो था ना वो आज का क्रूशियल टेस्ट था, तो वो तो मुझे पास होता हुआ दिख रहा है बिकॉज आज इट वॉज नॉट अ प्रॉपर वो एक वर्किंग ही था आज। तो जो कल छुट्टी थी और एक आने वाले कल टुमारो, कल थोड़ा पार्शियल हॉलीडे है। तो गाइज इसका जो टोटल कलेक्शन है टाइगर थ्री का वो अब बैठ गया है 146 करोड़, और अगर नाइट में अगर थोड़ा 2-3 करोड़ और फालतू ऐड कर लें तो 150 करोड़ के आसपास का आंकड़ा टाइगर थ्री ने 3 दिन में कर लिया है। यार अब थोड़ा सा गेम में मजा आ रहा है, अब लिटरली मुझे बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। देखो अब इसका क्रूशियल टेस्ट तो कल होगा, एक तो अब कल देखते हैं कितनी इसकी कलेक्शन आती है वो होगा। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली जो टाइगर थ्री का है वो जो थर्सडे की जो कलेक्शन होगी ना वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी, जो एक्चुअल वर्किंग डे आएगा उस पर कलेक्शन बहुत मैटर करेगी और वही डिसाइड करेगी कि टाइगर थ्री 500 करोड़ के क्लब में जाएगी या नहीं जाएगी। अभी कल थर्सडे निकलते फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होगी कलेक्शन। तो पठान को गदर को दोनों को बहुत टफ फाइट मिलने वाली है टाइगर थ्री से, ये पक्की बात है। तो अब बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब देखो क्या है, फैंस ने अपना दम दिखा दिया है और अब कुछ जो दिन बचे हैं उसमें पता चलेगा कि टाइगर थ्री यूनैनिमसली आई मीन न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में उसके क्या सेइंग चल रही है। बिकॉज देखो आप जितनी मर्जी न्यूज़पेपर्स में रिव्यूज पढ़ लो, यूट्यूब पे कर लो, बट जो कलेक्शंस है ना वो ही एक्चुअल पैरामीटर होता है जो शो करता है कि यार पिक्चर एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। मेरे हिसाब से तो यार बढ़िया रहा, मुझे बहुत सही लग रहा है। स्पाई यूनिवर्स को लेके मैं वैसे भी थोड़ा सा मुझे है कि स्पाई यूनिवर्स की सारी मूवीज चले, मजा बड़ा आता है इन सबको। मतलब क्या जबरदस्त रिस्पांस था थिएटर में, क्या एनर्जी थी थिएटर में, बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त था मेरा तो। बट लेट्स सी आई होप कि कल भी बहुत अच्छी कलेक्शन हो और मेन फिर नजर आ जाएगी फ्राइडे सैटरडे संडे पे 500 करोड़ की तरफ ट्रैक करेंगे। और अपकमिंग वीडियोस में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके अब मैं बताऊंगा फुटफॉल्स में कि वैसे कितने लोग इसको देखने जा रहे हैं, कंपेयर करेंगे पठान से, जवान से और गदर 2 से, और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरा यूट्यूब एनालिटिक अभी भी मुझे ये बता रहा है कि जो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं 60-65% जो भी मेरे व्यूज आ रहे हैं वो अभी तक चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।